दोस्तों, पिछले कुछ समय से साउथ सिनेमा बेटर फिल्मों के मामले में बॉलीवुड से काफ़ी आगे निकल चुका है और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे उन पांच बेस्ट रोमांटिक फिल्मों के बारे में जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पाँचवें नंबर पर है मूवी चलो। 2018 में आई इस मूवी में काम किया है नागा शौर्य और रश्मिका मंदाना ने। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और कहानी है दो गांव की जो डिवाइडेड हैं तमिल और तेलुगू लोगों के बीच में। ऐसे में नागा शौर्य जो तेलुगू हैं वो यहाँ के कॉलेज में पढ़ने आते हैं और उन्हें तमिल गांव की लीडर की बेटी रश्मिका से प्यार हो जाता है। कैसे वो अपने प्यार को पाने के लिए दो गांव को एक करते हैं, यही एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी के तरीके से दिखाया गया है। ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है और इस फिल्म की आईएमडी रेटिंग है 6.4। चौथे नंबर पे हैं अर्जुन रेड्डी। 2017 में आई इस सुपरहिट फिल्म में काम किया है विजय देवकोंडा और शालिनी ने। फिल्म की कहानी है अर्जुन की जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसे अपनी जूनियर स्टूडेंट से प्यार हो जाता है, पर अपने अग्रेसिव नेचर के कारण वो उसे खो देते हैं और ड्रग्स और शराब की लत में पड़ जाते हैं, लेकिन बाद में वो इन सब से निकल के अपने प्यार को वापस पा लेते हैं। इस फिल्म का बॉलीवुड रीमेक भी बन चुका है जिसका नाम था कबीर सिंह। अर्जुन रेड्डी की आईएमडी रेटिंग है 8.2। तीसरे नंबर पर है 2018 में आई मूवी गीता गोविंदम। ये बहुत ही खूबसूरत मूवी है जिसमें काम किया है रश्मिका मंदाना और विजय ने। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही ज़ोरदार है। ये कहानी है गोविंद की जिसे एक कल्चरल और ऐसी वाइफ चाहिए जो उसे समझ सके और वो मिलता है उसे गीता यानी रश्मिका से, और एक गलत इंसिडेंट की वजह से वो गोविंद को गलत समझने लगती है। इन दोनों की नोकझोंक पूरी मूवी में दर्शकों को हंसने पे मजबूर कर देती है। इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए और इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 7.7। दूसरे नंबर पे हैं विजय और रश्मिका की 2019 में आई मूवी डियर कॉमरेड। ये मूवी दो अलग अलग स्वभाव के लोगों के बीच की है। बॉबी जहाँ पे लेफ्ट विंग के स्टूडेंट लीडर हैं और काफ़ी अग्रेसिव हैं, वहीं रश्मिका का कैरेक्टर लिली एक चुलबुली क्रिकेटर का है। दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंसेस हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, पर अपने इन्हीं अलग नेचर के कारण दोनों दूर भी हो जाते हैं, वही फिर वापस मिलते हैं। लेकिन लिली जिसका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है और वो काफ़ी बुरे कंडीशन में रहती है, कैसे बॉबी फिर उसके लिए फाइट करता है और उसका कॉमरेड बनता है, उसके लिए आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.3। और पहले नंबर पे है तमिल मूवी 96। ये कहानी है प्यार के और उसके एहसास की। ये मूवी बताती है कि प्यार में कोई मंजिल नहीं होती बल्कि ये एक जर्नी है। ये फिल्म आपको नॉस्टैल्जिया की दुनिया में ले जाएगी और सही मायने में प्यार का डेफिनेशन बताएगी। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 8.7।